एसिड या तो मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या तो मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या तो मैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड या तो मैलिक एसिड, ठीक है। तो जहाँ पे मैलिक एसिड ऑरेंजेस में भी होता है और इसमें भी होता है, लेकिन मेनली हम जब टार्टरिक की एग्जांपल आ जाए तो उसमें टार्टरिक लिख सकते हैं, बट ऐसे मैलिक एसिड भी इनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैलिक भी इसका सही ऑप्शन रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसे टार्टरिक जो जब दोनों ऑप्शन आ जाएँ तो वो आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके ये सेशन है जो चले हैं, कंटिन्यूसली आपके चलते रहेंगे और काफ़ी बढ़िया तरीके से आपके जो आंसर है वो आते जा रहे हैं, जो भी दोस्त हमसे जुड़ते हैं, और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप अपने आंसर हैं जो देते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक और है, तो आज का वो उसके बाद मतलब हमारा लास्ट क्वेश्चन ही आ जाएगा वो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, चाहे आप इसको होमवर्क में रख लीजिए। जो हमारी जो हम डिटेक्ट करते हैं जब गैस लीक होती है, जो हमारे पास एलपीजी होती है, जब एलपीजी लीक करती है, एलपीजी लीक करती है उसको हम डिटेक्ट किसकी प्रेजेंस से करते हैं? जो एलपीजी होती है, एलपीजी जब लीक करती है उसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं? एलपीजी को हम किससे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। एलपीजी में जो एलपीजी मेनली होती है वो ब्यूटेन से बनती है। जब एलपीजी लीक होती है, एलपीजी लीक होती है उसको हम किससे डिटेक्ट करते हैं? फॉरेस्टर के लिए क्वेश्चन बन सकता है आपका, तो उसको हम बिल्कुल सही आंसर जहाँ पे ज़ुबेर अहमद बानी जी का इथाइल मर्सेप्टान, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला होता है C2H5SH, इथाइल मर्सेप्टान इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका आ जाएगा, ठीक है। इथाइल मर्सेप्टान इज़ द राइट आंसर, जो हम डिटेक्शन करते हैं जब गैस सिलेंडर का जो लीकेज है वो होता है। जब भी आपके घर पे जो एलपीजी हो, एलपीजी जब भी रिलीज हो रही हो, रिलीज होने के दौरान आपको जब उसकी स्मेल डिटेक्ट हो, स्मेल डिटेक्ट होती है ड्यू टू इथाइल मर्सेप्टान, इथाइल मर्सेप्टान, ये आपने मेमोराइज कर लेना है, ठीक है। तो आज का आपका डू इट योरसेल्फ जो क्वेश्चन रहेगा, जो आपने होमवर्क सेशन में करके बताना है, वो क्वेश्चन आपने बताना है, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपने बताना है जल्दी से। जो हमारे पास एक बल्ब होता है, बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो कौन से मेटल से बनी होती है, ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। होमवर्क सेशन है आज, इस वीडियो के एंड में नहीं, इस वीडियो के एंड सेक्शन में आप दोगे आंसर, अभी लाइव चैट में आप उसका आंसर नहीं दोगे। जो बल्ब की फिलामेंट होती है, बल्ब की फिलामेंट में कौन सा आंसर आपका होता है, ठीक है, ये आंसर आपने कमेंट सेक्शन में भी बताना है, ठीक है। जब आप लाइव चैट खत्म हो जाएगी, काफ़ी बढ़िया आंसर आपका ज़ुबेर अहमद बानी और कोई भी आंसर इसके आपने कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। तो सो यही आज का हमारा जो आपके लिए होमवर्क सेशन था, होमवर्क सेशन में एक क्वेश्चन आपका रहेगा, जो बल्ब की फिलामेंट होती है, बल्ब की फिलामेंट में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये होमवर्क में बताना है आपने, डू इट योरसेल्फ वाले पार्ट में रहेगा। सो आज के पार्ट में हम अभी आपके जो भी डाउट्स हों वो आप बता दीजिए, टंगस्टन बिल्कुल स्कैम, पहाड़ी, भूमिका शर्मा, तो काफ़ी बढ़िया आपके जो भी आंसर है टंगस्टन ये आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी होमवर्क सेशन में फिर से क्वेश्चन देना पड़ा, क्योंकि इसका आंसर आप सभी ने बता ही दिया, जितने भी दोस्त थे, ज़ुबेर, भूमिका, पहाड़ी, स्कैम, शर्मा, बाजीकर, तो आपको फिर एक और क्वेश्चन जो होमवर्क में देना पड़ा। तो होमवर्क में आपका जो क्वेश्चन आ जाएगा वो आपने बताना, जो हैवी वाटर होता है, जो हैवी वाटर होता है, हैवी वाटर का फार्मूला बताना पड़ेगा, हैवी वाटर का फार्मूला बताना पड़ेगा होमवर्क सेशन में, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सर करो, करा दो और क्वेश्चन, ज़ुबेर अहमद बानी जी कर देने थे, लेकिन एक्चुअली में थोड़ा सा काम आ गया है तो वहाँ जाना पड़ रहा है। तो वेरी गुड ज़ुबेर अहमद बानी जी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड आपने ये भी क्वेश्चन बता दिया तुरंत ही, तो काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने ये आंसर दिए हैं। तो चलिए, अब जो भी आपके डाउट हों तो वो आप बता दीजिए, कल भी हम 8:30 बजे ही लाइव करेंगे, 30 या 40 मिनट का D2O। तो अभी बस आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, कोई भी अगर आपके डाउट्स हों अभी 2-3 मिनट हम इसमें आपको बता सकते हैं, ठीक है। और बात करें NTPC के जो फॉर्म्स हैं वो भी आपके आउट हो जाएंगे, RRB में, रेलवे में, जिसमें अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट वैकेंसीज हैं वो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 10,088 वैकेंसी रहेंगी। और आज की जम्मू एंड कश्मीर में जो ग्रेजुएट्स हैं, JKPSC वालों के लिए 90 वैकेंसी एडवर्टाइज्ड हुई हैं, सो अपने उसमें भी आप प्रेपरेशन जारी कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ ही JKP कॉन्स्टेबल,
उसकी प्रेपरेशन हम कॉन्टिन्यूसली